जो लोग ये बोलते हैं कि फौज में बेरोजगार लड़के जाते हैं या लड़कियां जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि 18 साल का लड़का फौज में जाता है तो 18 साल के लड़के को कैसे पता होता है कि वो बेरोजगार है। बेरोजगारी को तो हमें तब पता चलता है जब हम धीरे धीरे कंपटीशन देते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, जब हमारी हर जगह से उम्र निकल जाती है गवर्नमेंट जॉब से कि अब हम वैलिड नहीं रहे, तब हमें पता चलता है कि हम बेरोजगार हैं। लेकिन विदाउट इन सब के हमें कैसे पता चलेगा कि हम बेरोजगार हैं? और उस लड़के को जो 18 साल का होके फौज में सिलेक्शन लेता है, उसको कैसे पता चलता है 18 साल की उम्र में कि वो बेरोजगार है? तो सबसे पहले तो आप लोग अपना डाटा सही कीजिए कि फौज में बेरोजगार लड़के नहीं जाते हैं, क्योंकि 12वीं पास करके लड़के की जिंदगी की शुरुआत होती है। उसे कैसे पता होता है 12वीं पास करते कि वो बेरोजगार है? उसके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। वो सिर्फ 18 साल का होता है जब वो फौज में जाता है। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी उन मूर्खों के लिए कि फौज में बेरोजगार लड़के नहीं जाते, वो लड़के जाते हैं जिनमें सच में हिम्मत होती है। दूसरी बात, कई लोगों से बहुत सुना है, नेताओं से भी सुना है कि लोग बोलते हैं कि अरे जो गरीब होते हैं ना वो फौज में जाते हैं। वैसे तो गरीब हम सभी हैं, फर्क इतना है कि हम लोग ईश्वर से 24 घंटे मांगते रहते हैं, हमारी गरीबी लोगों को दिखाई नहीं देती है और कुछ लोगों की गरीबी दिखाई देती है। तो गरीब तो दुनिया में हर कोई है क्योंकि हम भी ईश्वर से मांग रहे हैं। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि फौज में गरीब लोग जाते हैं, गरीब फैमिली से लोग जाते हैं, तो वो तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ है मेरी नज़र में। क्योंकि ऐसा कौन सा गरीब है? अभी आप जाओ, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे गरीब लोग रह रहे होंगे, उनको बोलना हम आपको 30,000 रुपये महीना देंगे, आप जाके एक बॉर्डर की सुरक्षा करो, लेकिन वहाँ पर ये गारंटी नहीं है कि गोली कब आके आपको लग जाए। क्या सच में अगर गरीब एक बहुत बड़ा मुद्दा है उन लड़कों के आगे, तो क्या सच में वो गरीब जाएगा? जाके अपने आसपास एक बार पूछिए किसी गरीब से जिसको पैसे की ज़रूरत हो, जो झुग्गी में रह रहा हो, उसको बोलना कि मैं तुम्हें 30,000 रुपये महीना दूंगा, जाओ जरा बॉर्डर पर खड़े हो जाओ। वो गरीब नहीं जाएगा क्योंकि 30,000 रुपये उसकी जान से बढ़कर नहीं है। ठीक है, तो दो बात क्लियर होगी कि फौजी जो है वो बेरोजगार नहीं होते हैं, बेरोजगारी के चलते वो फौज में नहीं जाते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि बेरोजगारी के चलते जाते हैं, आज उनको मेरा सीधा जवाब है उनके क्वेश्चनों का कि 18 साल के लड़के को उसकी ज़िंदगी की शुरुआत का पहली सीढ़ी होती है, उसे ये नहीं पता होता कि वो बेरोजगार है, क्योंकि 18 साल के लड़के के पास अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होने वाली होती है। लेकिन वो तब भी फौज इसलिए चुनता है क्योंकि उसे सच में फौजी बनना होता है। तो फौजी होता है। दूसरा, गरीबी की वजह से कोई भी फौज में नहीं जाता है, नहीं तो अपने आसपास किसी भी गरीब को उठा के बोल दो 30,000 वाली बात, और अगर वो तैयार हो जाता है तो भावना शर्मा ये लाइव में भी बोल देगी कि हाँ फौजी जो है गरीब घर के जाते हैं। तो दोनों बात आप महान लोगों की गलत साबित होगी और जिन्होंने मुझे इनबॉक्स करा था उनकी भी गलत साबित होगी। एक और बात, आज हम फौजियों पे ही बात करेंगे तो मैं बोलना चाहूँगी, कई लोग बोलते हैं, कई लोग क्या हम सब जानते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, पहले तो ज़रूर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आज ये सीधा तमाचा है मेरी तरफ से उन लोगों के मुंह पे जो हमेशा बोलते हैं कि बेरोजगारी की वजह से लोग फौज में जाते हैं। सीधा जवाब है कि बेरोजगारी के चलते कोई भी फौज में नहीं जाता, क्योंकि 18 साल के लड़के को बेरोजगारी का मतलब ही नहीं पता होता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की वो शुरुआत होती है। और अब आते हैं एक और ख़ास बात पे जो ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं, हम लोगों के आसपास जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि फौजी जो है वो पागल होता है, फौजी जो है ये पागल होता है। ये हम सब जानते हैं और मतलब हमारे आसपास सब बोलते हैं, हम सब जानते हैं, कई नेताओं ने बोला, कई लोग आपस में भी आम सिविलियन भी बात करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने नहीं सुना, मैंने भी सुना है। सच में ये पागल होते हैं, सच में ये पागल होते हैं फौजी। आज मैं बिल्कुल लाइव में बोल रही हूँ कि फौजी जो है वो पागल होते हैं। ये पागल है इस धरती माँ के लिए, ये पागल है इस हिंदुस्तान के लिए, ये पागल है हम जैसे देशवासियों के लिए, तभी तो डट के खड़े हैं उन बॉर्डर्स पे जहाँ पे हम जैसों की औकात नहीं है जाने की। तो सच में ये पागल ही कोई कर सकता है और सच में ये पागल है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अगर ये समझदार होते तो पक्के में नेता बनने की सोचते, लेकिन अफसोस की बात है
कि ये समझदार नहीं है, ये पागल है, और मैं चाहती हूँ ऐसे पागल दुनिया में हजारों मिलें। दूसरी बात, जो लोग ये बात बोलते हैं कि फौजी पागल होते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत गुस्से में तो हूँ लेकिन मैं गुस्सा दिखाऊंगी नहीं, मैं आज जवाब दूंगी। जो लोग बोलते हैं ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है फौजी, आज मैं उनको बोलूंगी, अगर हम ओवरऑल डाटा निकालते हैं हिंदुस्तान में 125 करोड़ से प्लस है हम लोग, लेकिन हम बोलने पे आते हैं 125 करोड़, तो अफसोस की बात है। देखो इतने सारे समझदारों को इन 30 लाख पागलों ने संभाल रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे पागल और आए। लेकिन सोचो कि हम 125 समझदार लोगों को इन 30 लाख पागलों ने संभाल रखा है, आर्मी और पैरामिलिट्री ने, सोचो कितने बड़े पागल है ये। तो आज उन्हें सबको जवाब मिल गया होगा जो इनबॉक्स में बहुत दिन से मुझसे पूछ रहे थे, और जो नेशनल टीवी पे बोलते हैं, आज उन सबको ये जवाब ज़रूर मिला होगा कि फौजी बेरोजगार के चलते कभी फौज में नहीं जाता, ना गरीब के चलते जाता है, और ना ही ये पागल होते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि अगर पागल सच में, और अगर ये समझदार होते तो पक्का नेता बनते, पक्का बनते, जिसमें 125 करोड़ को होड़ है, कौन नेता बनेगा, कब नेता बनेगा। लेकिन देखो ना इन 30 लाख ये जो पागल बैठे हैं, जो संभाल के बैठे हैं इन समझदार लोगों को, कितनी हिम्मत है। ऐसे पागल बन जाओ आप भी अगर हिम्मत है तो। अनफॉर्चुनेटली आप लोग नहीं बनेंगे, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ मुंह खोल के बोलना आता है विदाउट एनी थिंकिंग, यू जस्ट ड्रॉप योर स्टेटमेंट। तुम ये भी नहीं सोचते हो कि किसी के दिल पे या किसी के दिमाग पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। जाके उस बेटे से पूछो, उस माँ से पूछो जिसका बेटा चला गया, मुंह उठा के बोल देते हो हर चीज़, सोचते तक नहीं हो कि क्या बोलते हो। बेवकूफ़, बेवकूफ़ तुम हो, सच में बेवकूफ़ हो। और शर्म आती है जो लोग मेरे को ड्रॉप करते हैं ऐसे मैसेजेस, शर्म आती है उन लोगों पे जो लोग नेशनल टीवी पे ये बातें बोलते हैं, और मीडिया वाले पे शर्म आती है जो मीडिया वाले दिखाते हैं इन चीज़ों को। क्यों दिखाते हैं, सीधा जवाब खुद क्यों नहीं देते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें फौजियों की मैंने करनी थी। और चौथी बात, क्योंकि आज तो फौजियों पर ही बोलूँगी, फौज, सब लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं, एक फौज शब्द लिखो अपने अपने फटाफट से पेंसिल कॉपी लेके, FOUGI, फौज लिखो, और फौज लिखने के बाद उसको जरा ध्यान से देखो, उस शब्द, वो जितना छोटा शब्द है ना, उसको देखते ही आपको डर लग जाएगा, वो फौज शब्द ऐसा है, फौजी ऐसा शब्द है। जरा अपने अपने यकीन नहीं हो रहा ना, अपने ही पेंसिल कॉपी लेके ड्रॉप करके देखो उस शब्द को अपने ही बुक में, पता चल जाएगा कि फौजी आखिर है क्या। वो जितना छोटा है ना, उतना ही उस शब्द में ताकत है, उसमें वो साहस है, उसमें वो सच में बलिदान देने की काबिलियत है, तभी वो फौजी कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, सही कहा, ये पागल ही है, और है पागल, और मुझे गर्व है कि मैं इन पागलों पे बात करती हूँ, क्योंकि इन पागलों ने ही हम 125 करोड़ समझदारों को संभाल रखा है। तो ऐसे पागल तो अच्छी बात है ना, कि होने चाहिए देश में, लेकिन नहीं है, बेवकूफ़ लोग हैं जो बोलते हैं। तो आज ज़रूर इस लाइव वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, उन लोगों पे ये मुँह तोड़ जवाब ज़रूर जाना चाहिए। एक और बात, क्योंकि आज फौजी पे बात करूँगी, कई लोग बोलते हैं कि फौजी समझदार नहीं होते हैं, कई लोग बोलते हैं ये सच में दिमाग इनका खाली होता है, इनको कुछ नहीं पता, इनको आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ का। मैं आज उन सबको भी एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि फौज में एंट्री ही तब होती है जब शारीरिक और मानसिक तौर पे वो लड़का सही होता है, ये उसकी एंट्री में देखा जाता है। और फौजी तभी बनते हैं जब वो मानसिक और शारीरिक रूप में दोनों में वो ठीक होता है लड़का। ठीक, तो ये भी बात क्लियर होगी कि फौजी समझदार नहीं है, ये बात गलत है, फौजी समझदार होते हैं, शारीरिक भी वो तंदुरुस्त होते हैं और मानसिक भी तंदुरुस्त होते हैं, तभी वो फौजी बनते हैं। तो आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चन का आज तो मैं आंसर दूंगी, और ऐसा ज़बरदस्त दूंगी कि दोबारा से मेरे को जरूर मैसेज करना, मैं वेट करूंगी कि अब आप इसको क्या रिप्लाई करते हो। तो ये बात तो रही कि 18 साल का लड़का फौजी बनता है, क्योंकि उसमें एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, एक जोश होता है इस धरती माँ के प्रति और उस वर्दी के प्रति जो वो कमा के सच में लाता है, जो कमा के पहनता है, जिसके हम में से शायद किसी को वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उस फौजी को जरूर होगी जिसने वो वर्दी कमाई है। तो
उसी को पता होता है। और फौजी बनना, एक और बात मैं बता दूं, फौजी बनना हम 125 करोड़ों के बस की बात नहीं, औकात भी नहीं है, 29 लाख की बात है। और अपने आप को 30 लाख में अगर सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को 30 लाख में जरूर इंक्लूड कर देना, वरना सच में तुम देश के लिए कुछ कर नहीं सकते, ये मुझे लगता है। और आई फील प्राउड, आई फील रियली प्राउड, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इन पागलों पे बात करती हूँ, और लोग मुझे भी पागल बोलता है, तो आई एक्सेप्ट, यस वी ऑल आर मैड, हम सब पागल हैं, मुझे कोई गिल्ट नहीं है इस बात का, मुझे अच्छा लगता है, बोलो, क्योंकि कम से कम हम पागलों ने ही तो कम से कम अच्छी सोच फैला रहे हैं। वो एक वो पागल खड़े हैं बॉर्डर्स पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या बोलते हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात थी कि आज आप लोगों को जवाब देना था, और बार बार मेरे फौजियों को पागल बोलना बंद कर दो, नहीं तो एक बार अगर दिमाग हो तो इस बात को ज़रूर सोचना कि इन 30 लाख पागलों ने, आर्मी और पैरामिलिट्री के ही जवानों ने, समझदार 125 करोड़ों को संभाल रखा है। तो सच में देखो ना, है हिम्मत तभी तो संभाल रखा है। और आप समझदार क्या कर रहे हो, देश में सिर्फ गंद बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, हमारे फौजियों को बुरा बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। अरे थोड़े से तो आप भी पागल हो जाओ, देश के प्रति सही हो तो जाओ, सेना के प्रति तो छोड़ो, देश के प्रति हो जाओ, जिसमें रह के खा रहे हो, कम से कम वही सही। शर्म आती है मुझे ऐसे मूर्ख इंसानों पे जो मुझे ड्रॉप करते हैं मैसेजेस, अपने मैसेजेस, और जो नेशनल टीवी पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं फौजियों के खिलाफ। और एक और बात, मुझे कौन बार बार मुझे मैसेज करके ये मत बोला करो कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ना मैं चुप होने वाली हूँ, ना मैंने चुप होने के लिए रास्ता चुना था, बोलने के लिए चुना था, और बोलती रहूँगी जब तक इस धरती पे रहूँगी। जिसकी किसी की भी औकात है तो मुझे खामोश करके दिखाओ। तुम क्या बार बार मेरी आईडी को रिपोर्ट कर देते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलता, सब पता चलता है। करो आईडी को रिपोर्ट, जितना करना है करो, अब हम भी देख लेंगे किसमें कितना है दम। लेकिन फौजियों पे बोलना तो ना मैं कल छोड़ी थी, ना आज छोड़ूंगी, और ना कल छोड़ूंगी, सीधी सी बात है। फौजियों पे बोलती थी, बोलती हूँ और बोलती रहूँगी, जिसको जो करना है करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे रास्ता और मेरे रास्ते में चुने हुए लोग बिल्कुल सही है। और मैं प्राउड फील करती हूँ जब मैं इनका नाम अपने मुँह से लेती हूँ, फौजी, जो शायद आप मूर्ख लोग नहीं कभी समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरे फौजियों को बेरोजगार, गरीबी के चलते पागल कहना बंद कर दो, क्योंकि मैंने सारी डेफिनेशन क्लियर कर दी है कि आप जो सिर्फ बोलते हो वो बेवकूफ़ी बोलते हो और कुछ नहीं बोलते हो। फौजी सिर्फ वही लड़का बनता है जिसमें सच में देश के प्रति, इस मिट्टी के प्रति ईमानदारी होती है, वरना आप और मेरी औकात नहीं है कि हम फौजी बन जाएं। और उसको पता होता है उस वर्दी का महत्व, जिसे पहन के वो बॉर्डर पे खड़ा है तभी वो बैकआउट नहीं करता है। और अगर नहीं समझ आता ना आप लोगों को मेरी भाषा या मेरी बातें, तो एक काम करना, आज रोड पे निकलो और किसी से लड़ाई ले लेना। सबसे पहले आप खुद को भागता हुआ महसूस करेंगे, यार छोड़, मेरे दोस्त की लड़ाई है, मैं बीच में क्यों आऊँ, खामखा लफड़े में फंस जाऊँगा। लेकिन फौजी ना, जब टेररिस्ट आते हैं ना, वो ये नहीं सोचते यार छोड़ मैं गोली क्यों खाऊं, मैं अपना छुप जाता हूं, वो ये नहीं सोचता, वो बोलता है यार या तो मर जाएंगे या मार देंगे। ये है फौज, आप लोगों को पता ही नहीं है कि फौजी कौन लड़का बनता है। और एक और बात, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं मोटिवेट करती हूँ फौजियों को, बड़े मूर्ख हो आप लोग, बहुत ही मूर्ख हो, इतने मूर्ख हो कि मेरे को समझ नहीं आती आप लोगों को कौन सी कैटेगरी में रखूं। एक होता है मूर्ख, एक होता है महामूर्ख, और एक होता है महा से भी महामूर्ख। तो आप लोग तीसरे नंबर की कैटेगरी में आ रहे हो मेरे हिसाब से। क्यों, आप लोग कैसे मान सकते हो कि मैं फौजियों को मोटिवेट करती हूँ? मैं उन लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ जिनके शरीर में खून नहीं, देशभक्ति बह रही होती है? मैं कैसे उन्हें मोटिवेट कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती उन्हें मोटिवेट, मैं ही क्या, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके शरीर के अंदर खून नहीं, इस देश के प्रति देशभक्ति, हम लोगों के प्रति जो प्यार है वो बह रहा होता है। हमारी तो औकात नहीं है कि हम उनको आगे बढ़ने का बोले या उनको मोटिवेट करें। मैं अगर लाइव में या अपने फौजियों पे बात करती हूँ, फौजियों के लिए नहीं, इस देश को फौजियों से रूबरू करवाने के लिए, फौज शब्द से रूबरू करवाने के लिए बोलती हूँ। मैं किसी फौजी को मोटिवेट नहीं करती,
ये आप सबकी गलत फहमी है कि मैं फौजियों को मोटिवेट करती हूँ। मैं तो आप सबको मोटिवेट करती हूँ कि जानिए जानिए उस 18 साल के लड़के की जर्नी, जो 24-25 साल की उम्र में कभी कभार तो अभी हाल ही में 18 साल का लड़का शहीद हो गया। जानिए वो कैसे शहीद हुए, जानिए कि कैसे कहाँ से आए हैं वो। एक गुमनाम जिंदगी जीते हैं और गुमनामी की तरह मर जाते हैं ये लोग, शहीद हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को पता भी नहीं चलता। हम लोग सिर्फ जी रहे हैं किसको नेता बनना है, कब नेता बनना है, किसको TRP चाहिए, किसको क्या करना है, किसको पैसा कमाना है। अफसोस होता है, देखो ना कितना बड़ा अफसोस होता है। अफसोस तो सबसे ज़्यादा मुझे तब होता है जब लोगों ने, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये देखने के लिए 2,000 करोड़ रुपए लगा दिए मूवी के लिए, लेकिन वहीं अगर एक जवान शहीद हो जाता है तो उसके घर में झांक के भी नहीं देखते हो कि चलो छोड़ो, आप फाइनेंशियली हेल्प मत करो किसी की, लेकिन कम से कम उसके माँ बाप को जाके एक दिलासा तो दे सकते हो। कभी ना फौज का परिवार, फौजी का परिवार या फौजी कभी ये नहीं बोलता है कि मुझे पैसे दो, वो सिर्फ ये बोलता है कि मुझे प्यार और मुझे इज्जत दो। लेकिन अफसोस की बात है कि हम में से कोई नहीं समझता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जरूर देख लेंगे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और उसके लिए फटाफट से पैसे, प्लानिंग, ओ माय गॉड हम 10 जने जाएंगे, हम 20 जने जाएंगे, चलो जी थिएटर चलते हैं। 2,000 करोड़ रुपए उनको अर्निंग हुई थी मूवी वालों को, अफसोस की बात है, लेकिन हम में से कुछ लोग भी नहीं समझ पाते इन लोगों को। और मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि कम से कम मैं ही सही, शायद मेरी किस्मत या उनकी किस्मत मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो भगवान ने बहुत सही रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया और मुझे प्राउड फील होता है और मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर दुनिया मुझे पागल कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, क्योंकि मेरा रास्ता और मेरी मंजिल मुझे क्लियर है, मुझे वहीं तक जाना है।